गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज भी हम रिवीजन वर्क करेंगे। अभी दो दिन से मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा रही थी, आज भी मैं मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्वाधीनता संग्राम में सर्वप्रथम विस्फोट कहाँ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है मेरठ में, दिल्ली में या कानपुर में। जो करेक्ट आंसर है वो है मेरठ में। 1857 के युद्ध के बाद भारत पर किसका नियंत्रण हो गया? ब्रिटिश सरकार का, ईस्ट इंडिया कंपनी का या जर्मनी का? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रिटिश सरकार का। थर्ड क्वेश्चन है, अंग्रेज भारत में किस धर्म को बढ़ावा देते थे? फर्स्ट ऑप्शन है इस्लाम धर्म को, या ईसाई धर्म को, या बौद्ध धर्म को? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ईसाई धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का स्वरूप किसने निर्धारित किया? ऑप्शन है महारानी विक्टोरिया ने, साइमन ने या लॉर्ड मैकाले ने? जिसका करेक्ट आंसर है वह लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंग्रेजों ने भारतीयों पर अधिकार बनाए रखने के लिए कौन सी नीति अपनाई? ऑप्शन है फूट डालो राज करो, नौकरी देना या सेना में भर्ती करना। जो सबसे पावरफुल रहा वो रहा फूट डालो और राज करो की नीति, यह इसका ऑप्शन राइट है। इस तरीके से अभी आगे भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे और आपको इन्हें कॉपी में भी, फेयर कॉपी में भी लिखना है ज्योग्राफी की, और इन्हें याद भी करना है।